क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 3 का है। एन एलिमेंट एम हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। जो एलिमेंट एम है, जो एलिमेंट एम के इलेक्ट्रॉन, इसमें ये समझो जो एलिमेंट एम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल तक पहुंच पाए, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड शेल फुल्ली फिल्ड होंगे। और यही यहाँ पे ये भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू थर्ड शेल मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल के शेल होती है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड शेल एल शेल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थर्ड शेल में क्या बोला है इन्होंने कि 50% है सेकेंड शेल की, और सेकेंड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। तो थर्ड शेल मतलब एम शेल जो है 50% ऑफ सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल में कितने होते हैं हमारे, 8। और इसका 50% मतलब आधे कितने हो गए, 4। तो हमारा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सम जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो 2 फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8, और 4 थर्ड शेल में 4। 4 क्यों से आया, 50% ऑफ 8। तो 2 और 8 10, 10 और 4 14। तो हमारा सी जो है वो आंसर करेक्ट है।